एक ऐसा चमत्कारी बालक जिसने 7 वर्ष की आयु में सोने के आमले की वर्षा करवा दी। सुनकर आश्चर्य लगता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये घटना सत्य है। घटना कितनी सत्य है और कितनी असत्य है, इसका निर्णय आप स्वयं करें, क्योंकि हमने जो कथा सुनी है वही आपको सुनाने जा रहे हैं कि कैसे एक 7 वर्ष के बालक ने सोने के आमले की वर्षा करवाई थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बालक जिसकी आयु मात्र 7 वर्ष थी, सन्यासी रूप में एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने पहुंचा। ब्राह्मण के घर के बाहर जैसे ही उसने पुकारा भिक्षाम देही, ब्राह्मण की पत्नी अंदर से निकली और उसने उस बालक के हाथ में एक आंवला रख दिया और रोते हुए कहा कि उसके पास धन नहीं है, उसके पास अन्न नहीं है। उसकी विपन्नता को देखकर, उसकी गरीबी को देखकर उस बालक को बहुत दया आई और उस बालक ने माँ लक्ष्मी की आराधना शुरू की। माँ लक्ष्मी के लिए एक स्तोत्र रचकर उनका आराधना की, उनसे निवेदन किया कि इस निर्धन ब्राह्मण की गरीबी को दूर करें। माँ लक्ष्मी ने उस अबोध बालक की प्रार्थना को सुना और बहुत प्रसन्न हुई और उस गरीब निर्धन ब्राह्मण के घर में सोने के आंवलों की वर्षा कर दी। उस ब्राह्मणी ने एक आंवला बालक के हाथ में रखा था और उसने देखा कि उसके घर में सोने के आंवलों की वर्षा हो रही है। माँ लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण परिवार की सारी गरीबी दूर कर दी। आप जानना चाहेंगे कि वो बालक कौन था। दक्षिण भारत के कलाड़ी ग्राम में उस बालक का जन्म हुआ था, जिसे आप शंकराचार्य के नाम से जानते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से वो बालक पूरी दुनिया में विख्यात हुआ। जगत गुरु शंकराचार्य को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ ने ही शिव के रूप में जन्म लिया था। ऐसी कथा मिलती है कि शंकराचार्य जी के पिता का नाम शिव गुरु था। लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने अपनी पत्नी विशिष्टा देवी के साथ पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की कठोर आराधना की। भोलेनाथ उनकी पूजा से प्रसन्न हुए और स्वप्न में उन्हें दर्शन देकर कहा कि जो वरदान मांगना है मांगो। शिव गुरु ने भोलेनाथ से कहा कि उन्हें दीर्घ आयु वाला एक परम ज्ञानी पुत्र प्रदान करें। भोलेनाथ ने कहा कि दीर्घ आयु वाला परम ज्ञानी नहीं होगा, जो सर्वज्ञ होगा उसकी दीर्घ आयु नहीं होगी और जिसकी दीर्घ आयु होगी वो सर्वज्ञ नहीं होगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि उन्हें सर्वज्ञ परम ज्ञानी पुत्र चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और कहा कि मैं स्वयं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ अवतरित हूँ। ऐसी मान्यता है कि कुछ समय के पश्चात ईस्वी सन 686 बैसाख शुक्ल पंचमी के दिन मध्यकाल में उस ब्राह्मण के यहाँ
शंकराचार्य का जन्म हुआ। जब बच्चे का नामकरण कराया गया तो नामकरण वाले विद्वान ब्राह्मण ने देखा कि बालक के मस्तक पर चक्र चिन्ह है, ललाट पर नेत्र चिन्ह है और स्कंध में शूल चिन्ह दिख रहे हैं। साक्षात शिव अवतार के रूप में बालक को देखकर उनका नाम शंकर रखा गया और यही बालक आगे चलकर शंकराचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शंकराचार्य के जन्म को लेकर के कई मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य का जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी 788 ईस्वी को हुआ था और उनका मोक्ष 820 ईस्वी सन में हुआ था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जो ताम्रपत्र के अभिलेख मिले हैं उसके अनुसार शंकराचार्य का जन्म 507 ईसा पूर्व हुआ था। जन्म को लेकर के कई विद्वानों में मतभेद है। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को व्यवस्थित करने के लिए सभी हिंदू जातियों को एकत्र किया और 10 नामी संप्रदाय बनाया। ये 10 नामी संप्रदाय बहुत समय से चला आ रहा है, इसको उन्होंने पुनर्जीवित किया और चारों दिशाओं में एक एक मठ यानी कुल 4 मठों की स्थापना की और वहां 4 शंकराचार्य स्थापित किए। ये 4 मठ हैं, दक्षिण भारत में वेदांत ज्ञान मठ श्रृंगेरी, पूर्वी भारत में गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी, पश्चिम भारत में शारदा मठ द्वारका, उत्तर भारत में ज्योतिर्पीठ बद्रिकाश्रम। ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य जी के 4 शिष्य थे, पद्यपाद, हस्तामलक, मंडन मिश्र और तोटक, जिसे तोटकाचार्य भी कहा जाता है। शंकराचार्य जी ने कई ग्रंथ लिखे, उनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र भाष्य के अतिरिक्त 11 उपनिषदों पर तथा गीता पर भी भाष्यों की रचना शंकराचार्य जी ने की है। वैदिक संस्कृति को पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए शंकराचार्य जी ने अपने समय के बड़े बड़े विद्वानों को, बौद्धियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। इसके अलावा शंकराचार्य जी ने अनेक ग्रंथ एवं भाष्य भी लिखे। दशनामी संप्रदाय क्या है? शंकराचार्य जी से सन्यासियों के दशनामी संप्रदाय का प्रचलन हुआ। इनके 4 प्रमुख शिष्य थे और उन 4 के कुल मिलाकर 10 शिष्य हुए। इन्हीं 10 शिष्यों के नाम से सन्यासियों की 10 पद्धतियां विकसित हुई, जिसे दशनामी संप्रदाय कहा जाता है। दशनामी संप्रदाय के साधु गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, एक भुज वाली लाठी रखते हैं, गले में 54 रुद्राक्षों की माला पहनते हैं, कठिन योग साधना करते हैं, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करके
जीवन बिताते हैं। दशनामी संप्रदाय में शैव और वैष्णव दोनों ही तरह के साधु होते हैं। शंकराचार्य जी के दर्शन को अद्वैत वेदांत का दर्शन कहा जाता है। शंकराचार्य जी का स्थान विश्व के महान दार्शनिकों में सबसे ऊंचा माना जाता है। उन्होंने ही इस ब्रह्म वाक्य को प्रचारित किया था कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत माया है और आत्मा की गति मोक्ष है।